अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक। मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तो भाई जी, बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान ने एक नया नोट निकाला है जो है 75 रुपीज, और मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा है नहीं देखा है? चलो कोई नहीं, हम दिखाएंगे आपको यार, परेशान नहीं होने का। नोट ऐसा है कि आप हाथ में लोगे तो ऐसा लगेगा नकली सा है ना। 75 ईयर्स के ऊपर मेरे ख्याल से इन्होंने ये नोट इशू किया था, और 14 अगस्त पे, और शायद आप लोगों ने देखा और नहीं देखा, और बहरहाल मैं आपको दिखाता हूँ अभी, आपको बिल्कुल प्यार मोहब्बत से और तरीके से दिखाता हूँ, ठीक है? तो भैया, आपको जो नोट दिखाना था ना, वो नोट है ये देख सकते हैं आप, 75। और इसकी कुछ सूरत हाल कुछ ऐसी है कि भाई नोट बनाया गया है, मेरे ख्याल से यादगार में बनाया था, और मेरे ख्याल से अब इसको लॉन्च भी कर दिया गया ना, कि अब जो है वो इसको जो है अब इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप, मार्केट में आपको मिलेंगे इस तरह के नोट। तो अभी तक तो अभी मेरे पास एक नोट आया तो मैंने आपको दिखा दिया, बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन आगे क्या है क्या नहीं है तो मुझे बताओ, लेट्स सी क्या होता है। तो भैया, आपने देखा नोट, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स में लाजमी बताइएगा मुझे, कि भाई ये तो अजीब सा ही लग रहा है, और इसका कलर जो है ना बिल्कुल 500 के नोट की तरह ही है, कहीं ऐसा ना हो मुगलते में 75 की जगह 500 दे दो, तो ये भी एक चीज़ देख लेना। बाकी अभी हम जा रहे हैं एक दोस्त के पास ज़रा ना, तो आपको भी मिलवाएंगे उससे, बहुत ऊँची फ्लाइट है वो हमारी, समझे? तो फिर बात करते हैं उनके साथ बैठ के ना, तो उसी तकलीफ में भी करेंगे, तो चलते हैं फिर उसके पास। अम्मो सो गई हमारी ना, अम्मो हमारी सो गई है, हम निकले थे कि अपने दोस्त के पास आएंगे इसको लेके, पता चला तो सो गई। चलो अभी इसको फिर सिस्टर के घर पर छोड़ कर आता है कि नहीं, हमारे जो बागड़ बिल्ले दोस्त है ना, वो आने वाले, सामने उनका घर है, और वो आएंगे भी यहाँ से, देखो क्या होता है। तो भैया, हम आ गए हैं अपने दोस्त के घर, और हमारे जो दोस्त हैं वो आप हम आपको मिलवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? क्या के बात में आप भाई? ये हमारे दोस्त हैं अपना फिरोज भाई, और ये बहुत ही प्यारे और बहुत ही दुलारे, समझ लो दो दुलारी होती है ना, उस तरीके के हमारे दोस्त हैं, और इनके साथ एक हमने एक अच्छा वक्त गुजारा है, और बढ़िया गुजारा है माशाल्लाह। जारी रहे, मर थोड़ी गए भाई, मरने मराने की बात नहीं करो अभी, है कि नहीं? ये अभी सब मरने मराने की बातें कर रहे हैं, तो जिंदगी के इस दौर में आप बताइए जरा कैसा महसूस कर रहे हैं? गाड़ी चल रही है इनकी माशाल्लाह, और पाकिस्तान की जो अभी आपके सामने सूरत हाल है वो आप मुझे बताएंगे कि आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच चल रहा है उसमें, उसके बाद उसमें ये है कि पाकिस्तान का जो कप्तान है वो बैटिंग ऑर्डर सही नहीं, टीम बहुत अच्छी है, ये कहना फजूल है कि ये टीम वो होता ये होता सब खेलने की बात है, अगर ऐसा होता तो फिर आप और मेरी टीम माशाल्लाह जबरदस्त, अगर हम पाकिस्तान के लिए तो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा बस ये है कि बस इसकी जो जगह बनती है उसको वहाँ निकला जा रहा है। बताओ तुमने 75 रुपये का नोट देखा? देखा ना, बहरहाल तो आपने 75 रुपये का नोट देखा, कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना? बाकी अभी चाय आ रही है, चाय ये हमारे भाई साहब है ना, मैंने बोला भाई चाय के बगैर तो हम जाने नहीं देंगे आपको, मैं चलो तो खाना भी खिला रहा मना कर, बिरयानी का पूछता है आज तो बिरयानी है भाई, तो चाय पीते हैं फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है? ये बच्चे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं अपने मामा के साथ, बताओ यार जुलम होगा ही, ऐसे भी कोई करता है क्या? थैंक यू।
देगा यार भाई। हमारी अम्मो जब आती है ना अपनी फूफो के घर तो वो बहुत खुश हो जाती है। उसकी खुशी की वजह जो है ना कुछ ऐसी है, ये यहाँ पे आके झूला भी झूलती रहती है और यहाँ पे जो ना इनके लाड और प्यार सब कुछ उठाए जाते हैं। चलो उतरो उतरो नीचे उतरो, चलो बस टाइम हो गया। नहीं अच्छा भाई ये लो झूला झूलने इनको। अब इनको जो ना कोई मना भी नहीं कर सकता, मसला तो ये कि इनको कोई मना कर दे, इनको जो मना करेगा ना वो उसकी क्लास हो जाती है। ये है लाडो, सबकी लाडो, लाडो के लश्कारे जगमग करे सितारे, लाडो साबुन झूला झूलो है। तो भैया बस बात इतनी सी है खाली और कुछ भी नहीं। कहाँ जाओ 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 जाओ, तुम्हारा अब्बा की जगह ही है। चलो तो गाइस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं, हो गया। और आखिर में आपको मालूम है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। और आखिर में हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियां बांटते रहो, फिर मिलेंगे चलते चलते बूम।